तो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम 513 नंबर का गोल्ड शॉट को मल्टीप्लेयर में रिव्यू करने वाले हैं। टाइमिंग, पोजीशन, खरीदना चाहिए कि नहीं, रेटिंग, सब कुछ आपको बताएंगे गाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग, अगर आपके पास है तब भी इस वीडियो को देख लीजिए, और नहीं है तब तो भाई आप देख ही लीजिए। तो भाई सबसे पहले आपको शॉर्ट मैप में आ जाना है। मैंने इस शॉर्ट को पहले से खरीद रखा है भाई, 513 नंबर शॉर्ट है, देख लीजिए। यहाँ पे पहले से खरीद रखा था और रिव्यू भी किया था, लेकिन मुझे भाई मल्टीप्लेयर में रिव्यू इसलिए करना था क्योंकि आप लोगों को मल्टीप्लेयर में इस शॉर्ट को इस्तेमाल करते होंगे और वहाँ पर आप लोग को दिक्कत होता होगा। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट मैप में आते हैं और देख लीजिए। 7 o'clock पे दोस्तों आपको एक खास बात बता दें कि ये जो शॉर्ट है 513 नंबर, ये फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पे अवेलेबल है सारे बैट्समैन्स के लिए। तो गाइस एक फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि आप लोग अगर 7 o'clock या फिर 5 o'clock या फिर 6 o'clock पे कोई भी शॉर्ट खेलते हैं तो अगर टाइमिंग नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ पे कैच होगा ही। तो सबसे पहले हम इस शॉर्ट की भाई लेंथ को चेक करते हैं कि किस किस लेंथ को ये शॉर्ट कनेक्ट करता है। तो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं यॉर्क लेंथ की। तो देख लीजिए यॉर्क लेंथ की बॉल को ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं करता है। और गाइस जो भी यहाँ पे शॉट कनेक्ट हो रहा है सारे शॉट, मतलब कि सारे लेंथ की बॉल को मल्टीप्लेयर में कनेक्ट करता है। तो गाइस आपको यॉर्क बता दें कि यॉर्कर पे नहीं करता है, फुलर लेंथ पे भाई ये शॉट कनेक्ट कर लेता है। बस बॉल से आपको 3 स्टेप की दूरी रखना पड़ेगा अगर बॉल अंदर आ रही हो तब। देख लीजिए आगे आपको पोजीशन भी बताएंगे हम। तो गुड लेंथ यहाँ पे कनेक्ट करता है। अब शॉर्ट लेंथ की बॉल देखते हैं तो भाई शॉर्ट लेंथ की बॉल को ये जो शॉट है वो कनेक्ट नहीं करता है। दो लेंथ की बॉल को कनेक्ट करता है फुलर लेंथ और गुड लेंथ। अगर फुलर लेंथ को खेलना है तो भाई बॉल से अच्छी खासी डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि पोजीशन पे किस किस पोजीशन पे ये शॉट कनेक्ट होता है। तो देख लीजिए मल्टीप्लेयर में भाई स्ट्रेट बॉल है तो हम बॉल से बस 1 स्टेप की दूरी रखेंगे, स्ट्रेट बॉल होगी तब। अगर बॉल अंदर आ रही हो तो हम 3 स्टेप की दूरी रखेंगे, ज़्यादा अंदर आ रही होगी तब, या फिर ज़्यादा बाहर जा रही होगी तो हम बॉल के लाइन में चले जाएंगे और तब यहाँ से खेलेंगे शॉट को। काफ़ी अच्छा भाई पोजीशन होगा, काफ़ी अच्छा कनेक्शन भी होगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मल्टीप्लेयर में। तो गाइस आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पे फास्ट बॉलर हैं और इनकी गेंद जो है वो काफ़ी तेज़ गति की है लगभग। और भाई गुड लेंथ पे बॉल है, देख लीजिए हम बॉल के लाइन में आ गए। और बॉल से जैसे ही मतलब बॉल हाथ से छूटने वाली है, जैसे ही बॉल हाथ से छूटेगी उसी टाइम हमने क्लिक कर दिया है। देख लीजिए कनेक्शन कितना अच्छा हुआ है। फास्ट बॉलर के हाथ से जैसे ही गेंद रिलीज होगी उसी टाइम आपको शॉट खेलना है। अब देख लीजिए फास्टर की धीमी गति की गेंद को कैसे खेलना है। तो भाई बॉल को हाफ पिच पे लगभग जाने दीजिएगा, उसके बाद शॉट को खेलिएगा। धीमी होगी तो हाफ पिच पे जाने दीजिएगा तब खेलिएगा, अगर फास्ट होगी तो भाई हाथ से ही खेल देना है आपको, जिससे हाथ से रिलीज होगी तभी। अब देख लीजिए स्पिनर की तेज गति की गेंद है यहाँ पे गाइज, और इसको कैसे खेलना है आपको बताते हैं। गेंद जैसे ही भाई लगभग हाफ पिच पे चली जाएगी उस समय आपको फ्रंट फुट या फिर बैक फुट पे क्लिक करना है। और भाई कनेक्शन आपके सामने है, देख लीजिए कितना तगड़ा कनेक्शन हुआ है भाई। 140 मीटर इसका रेंज है और भाई लेकिन ज़्यादा दूरी ये जाता नहीं है, फिर भी भाई 6 रन आपको देके जाएगा। इस बार धीमी गति की गेंद तो देखिए बॉल लगभग पीच होने वाली होगी, एकदम धीमी गति की गेंद होगी स्पिनर की, तो बॉल एकदम पीच होने वाली होगी तब आपको शॉट खेलना है। काफ़ी अच्छा कनेक्शन होगा गाइज, ये हो गया आपका टाइमिंग। वहीं गाइज अगर इस शॉट की रेटिंग की बात करें तो मैं 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा गाइज। काफ़ी मतलब सही शॉट है, उतना बुरा भी आप नहीं बोल सकते हो। अगर यॉर्क लेंथ को कनेक्ट करता तो भाई काफ़ी तगड़ा शॉट होता। फिलहाल भाई यहाँ पे आप लोग देख लीजिए स्पिनर के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट है, खरीद सकते हैं। मैंने सारी कुछ आपको बता दिए हैं, अगर कोई भी दिक्कत होगा। और गाइज आपको हम बता दें कि हम बहुत सारे शॉट का रिव्यू कर चुके हैं, तो एक बार आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।